कृपा वार्ता कार्यक्रम को स्वागत। आज का ध्यानांश पूरा ध्यान। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। तेसलोनिकियों अध्याय 5 वचन 16 से 18 तक। प्रौद्योगिकी आज हमारे निरंतर ध्यान देने की मांग करते हैं। इंटरनेट का आधुनिक चमत्कार हमें आने हाथ की हथेली में मानवता की सामूहिक शिक्षा तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है, लेकिन कई लोगों के लिए इस तरह की निरंतर पहुंच लागत पर आ सकती है। हमेशा यह जानने की जरूरत कि वहाँ क्या हो रहा है के आधुनिक प्रयोजन का वर्णन करने के लिए हाल ही में निरंतर आंशिक ध्यान वाक्यांश तैयार किया गया था, जिससे यह निश्चित हो कि हमसे कुछ चूक तो नहीं रहा है। अगर ऐसा लगता है कि यह पुरानी चिंता पैदा कर सकता है तो आप सही हैं। यद्यपि प्रेरित पौलुस चिंता के विभिन्न कारणों से जूझ रहा था, वह जानता था कि हमारी आत्माएं परमेश्वर में शांति पाने के लिए बाध्य है। यह कारण है कि नए विश्वासियों को लिखे पत्र में जिन्होंने सताव सहा था, तेसलोनिकियों अध्याय 2 वचन 14, पौलुस ने उनसे आग्रह करते हुए समाप्त किया कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर प्रार्थना करना बहुत चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन फिर हम कितनी बार अपना फोन देखते हैं, कितना अच्छा होता अगर इसके बजाय यह प्रेरणा परमेश्वर से बात करने के लिए उकसाव हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि काश हम
परमेश्वर में निरंतर प्रार्थनापूर्ण विश्राम के लिए हमेशा जानने वालों में रहने की जरूरत का आदान प्रदान करना सीख जाते। मसीह की आत्मा पर भरोसा करके जब हम प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता को अपना निरंतर पूर्ण ध्यान देना सीख सकते हैं। लेखक एडम हाल्स। आप कैसे कहेंगे कि प्रौद्योगिकी आपके विश्वास को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित करती है? परमेश्वर पर अविभाजित ध्यान केंद्रित करने में आपको क्या मदद कर सकती है? हे पिता, हमें अपने साथ एक रिश्ते में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। एक जिसमें आप हमें लगातार सुनने की इच्छा रखते हैं। यह वचन हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है।